अगर देखा जाए तो प्रशासन पर अब सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है, बल्कि नेताओं को यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है, क्या कहा जाए? देखिए, साल 2017 में होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी से मैदान में जुट गए हैं और इस सिलसिले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के दौरे पर यूपी आने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने उन्हें दौरे की इजाजत नहीं दी और इसी मामले पर एएमआईएम के प्रदेश संयोजक शौकत अली से हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने के लिए तैयार ओवैसी का दौरा एक बार फिर से रद्द किया गया है। पिछले उपचुनाव में चुनाव आयोग ने 2 बार उनको उत्तर प्रदेश दौरा करने की इजाजत दी, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई शांति भंग किया बात नहीं हुई, फिर आखिर दौरा बार बार उत्तर प्रदेश सरकार क्यों रद्द कर रही है, परमिशन क्यों रद्द करी? इन सब मामलों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के संयोजक एमआईएम के हमारे साथ हैं शौकत साहब। शौकत साहब, क्या लगता है सरकार की नीत या नियति क्या है? देखिए साहब, सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस सरकार को खतरा है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था मुसलमानों के लिए 18% रिजर्वेशन का वादा है, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम उर्दू मीडियम के स्कूल खोलने की बात कही थी, तो गवर्नमेंट ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। ये 4 साल जश्न मना ले वो एक अलग बात है, लेकिन जनता इनको जवाब देगी 2017 में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पूरी तरीके से ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये 16 मरतबा हमारी परमिशन कैंसिल कर चुके हैं। क्या 16 मरतबा कैंसिल हुई है परमिशन 17वीं बार? जी, उम्मीद नहीं, ये हमने यहाँ प्रशासन को आज से 7 रोज पहले अप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पे रिफाई आम क्लब में बैरिस्टर साहब एक जनसभा को संबोधित करेंगे, हमने अनुमति मांगी थी इनसे, तो प्रशासन ने हमें ये कहा, हमारे संयोजक जो है तौहीद सिद्दीकी साहब से प्रशासन ने ये कहा कि आप अपनी तैयारी रखिए, आपको परमिशन दी जाएगी। कल रात में एकाएक वहाँ पर हम लोगों को बुलाया जाता है एडीएम के पास और ये कहा जाता है साहब नहीं, हालात ठीक नहीं है और आपकी परमिशन कैंसिल की जाती है। हमने कहा आप कुछ भी करो, हमें पता है कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर के आप ऐसा काम करें, यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है और किस कोई एमपी पार्लियामेंट के अंदर अगर खड़ा होकर के बोल सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में, तो उसको आप यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं? फैजाबाद के अंदर आप बताइए, 2 प्रोग्राम हुए, 2 प्रोग्राम 4 दिन के अंदर हुए ओवैसी साहब के, कितने दंगे हुए, कितने घर जल गए, कितने कम्युनल राइट हुआ। सब आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा की तरफ से ये कहना कि वो ऐसा, एक तो उनका ये कहना कि उनका दबाव नहीं है, दूसरी बात उनका ये कहना कि एमआईएम का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, एमआईएम का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है तो एक बार परमिशन देकर तो देखो आप, जनाधार क्या है वो तो आपके समझ में आएगा और जनाधार है कि नहीं है 2017 में इंशाल्लाह वो आपको एहसास भी हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि ओवैसी साहब के आने से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलेगी? यकीनन बदलाव आ चुका है, बदलेगी नहीं, बदलाव आ चुका है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बड़ी तेजी से सेंट्रलाइज हो रहा है और 2017 में सर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। मुसलमान आपके साथ है, क्या मुसलमानों की जोर पर आप इस काबिल बन जाएंगे, इतनी सीटें आपको हासिल हो जाएंगी कि आप सत्ता में भागीदार बन जाएं? मुसलमान ही हमारे साथ नहीं है, मुसलमान के साथ साथ दलित, ओबीसी क्लास, फॉरवर्ड क्लास, हमारे ये रमाकांत गुप्ता जी खड़े हुए हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष है हरदोई के, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ सारे वर्ग के लोग हैं और ये इंसानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं प्रदेश संयोजक शौकत अली साहब, जिनका साफ ये कहना है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेंगे और सेकुलर राजनीति से एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ अशफाक अहमद, JK चैनल, लखनऊ।